कांग्रेस ने देहरादून समेत प्रदेश भर में भाजपा सरकारों की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। ब्लॉक से लेकर जिला और कांग्रेस मुख्यालय में भी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर ही तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा ने कांग्रेस को सनातनी बना दिया है। देखिए, कांग्रेस को सुदबुद्धि आई है। पहले उन्होंने भगवान राम का नाम लेना प्रारंभ किया, अब उनके जो भक्त हैं हनुमान जी, बजरंग बली जी, उनका नाम लेना प्रारंभ कर दिया है। कर्नाटक में तो उन्होंने कह दिया कि जो बजरंग बली हैं उनको सब बंद कर देंगे, उनको बैठा देंगे, जेलों के अंदर डाल देंगे, और यहाँ जो है हनुमान चालीसा कर रहे, तो दोहरा चरित्र है। लेकिन एक तरफ हम ये भी कहेंगे कि इस दोहरे चरित्र में कम से कम सनातन भूमि में कर रहे हैं, तो सनातन धर्म को अपनाने की बात कर रहे हैं। आज तक तो सनातनी थे नहीं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने उनको सनातनी बनाना प्रारंभ कर दिया। कुपड़ लोगों की बातों पे बात नहीं करनी है। उनको शायद यही पता नहीं कि राम मंदिर का ताला किसने खोला, पहली पूजा वहाँ किसने कराई आज़ादी के बाद। उनको शायद ये भी नहीं पता कि कौन लोग ऐसे थे जिन लोगों ने उसके ताले को खोल के पहली पूजा करी और कौन कौन उसमें सम्मिलित थे। तो ऐसी पार्टी के लोगों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म इनके बाप की बपौती नहीं है। कांग्रेस के लोग भी सनातन धर्म को भी मानते हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो मुस्लिम धर्म को या क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, जो जैन है वो जैनी धर्म को मानते हैं, जो बौद्ध हैं वो बौद्ध को मानते हैं, और जो सिख हैं वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को और अपने नौ गुरुओं को मानते हैं। हमको बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो तो आजकल राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं, राष्ट्र प्रेमी का सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। जिन लोगों ने गांधी की हत्या में साजिश करी हो, जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, वो आज सबसे बड़े राष्ट्रभक्त अपने को मुखौटा पहन के आ गए हैं। सियार को ना शेर की खाल पहना दो तो भी वो सियार ही रहता है। तो ऐसे सड़न छोड़ने वाले लोगों की बातों पर बयान देने की आवश्यकता नहीं। करण मेरा